मूवी की शुरुआत में हम काठमांडू की एक लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहां पर एक जादूगर जिसका नाम था काइसिलियस, वो अपने चेलों के साथ उस लाइब्रेरी की एक खास किताब को चुराने के लिए आया था। वो उस किताब के कुछ पन्नों को चुरा लेता है, लेकिन जब भी वहां पर एक औरत आ जाती है जिसे देखकर ये लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वो औरत इनसे बड़ी जादूगर थी। वो कई सौ सालों से इस जगह की रक्षा कर रही थी और वो यहां के लोगों को जादू भी सिखाया करती थी। काइसिलियस भी उसी का शिष्य था। काइसिलियस को भी उसी ने जादू सिखाया था। यहां ये जादूगर इन लोगों का पीछा करके इन लोगों को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि काइसिलियस अपने जादू का गलत इस्तेमाल कर रहा था और वो उस लाइब्रेरी की खास किताब को चुराने के लिए उसके पीछे पड़ा था और आखिरकार उसने उस किताब के दो पन्नों को भी चुरा लिया था। जादूगर काइसिलियस को पकड़ने ही वाली थी कि जब ही काइसिलियस एक पोर्टल बना के पोर्टल के जरिए वहाँ से गायब हो जाता है। सीन बदलता है और हम न्यूयॉर्क का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज नाम का एक फेमस डॉक्टर था। लेकिन दूसरों की सर्जरी करने वाले डॉक्टर को क्या मालूम था कि एक दिन उसी की सर्जरी करने की नौबत आ जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ही तगड़ा कार एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों में बहुत बुरी तरह से चोट लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी भी किसी की सर्जरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अब अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज इस सदमे से उभर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने काम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज की दोस्त उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में मदद करती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी तरह अपने हाथों को ठीक करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जिसके हाथ और पैर दोनों ही काम नहीं करते थे। उसकी हालत भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ दिनों में ही वो एकदम से ठीक हो गया, जबकि उसका इलाज एकदम नामुमकिन था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी के पास जाता है जिसके बारे में फिजियोथेरेपिस्ट ने उसे बताया था, ताकि वो ये जान सके कि आखिर उस आदमी के हाथ पैर कैसे ठीक हुए थे। पहले तो वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ बताने से इनकार कर देता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि कमार ताज नाम की एक जगह है जहाँ पर एक बहुत ही पहुंची हुई जादूगर रहती है। उनमें से एक जादूगर ने मेरे हाथ पैर को ठीक कर दिया। दरअसल ये आदमी उसी लेडी जादूगर के बारे में बात कर रहा था जिसे हमने की शुरुआत में देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज को तो अब किसी भी तरह अपने हाथों को ठीक करना था, इसलिए वो नेपाल के काठमांडू में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें मोर्डो नाम का एक आदमी मिलता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है और उन्हें लेडी जादूगर के पास लेकर जाता है। ये लोग उस लेडी जादूगर को गुरु माँ कह के बुलाते थे। वहां पहुंचकर डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ से पूछता है कि आपने उस आदमी को कैसे ठीक कर दिया, जबकि उसका इलाज तो मेडिकली नामुमकिन था। गुरुमा कहते हैं कि मन की शक्ति यानी कि विल पावर से कुछ भी किया जा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुमा उसे बताते हैं कि आत्मा शरीर को ठीक कर सकती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज तो पढ़ा लिखा आदमी था, उसे ये जादू और आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। जब ही गुरुमा उसे एक मुक्का मारती है और डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर में से उसकी रूह बाहर आ जाती है। जब उसकी रूह वापस उसके शरीर में जाती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा से पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। गुरुमा कहते हैं कि इस दुनिया से परे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में दिखाती है, जहाँ उसे मल्टीवर्स यानी कि अनंत ब्रह्मांड के बारे में पता चलता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे भी ये सब सीखना है, लेकिन गुरुमा उसे सिखाने से मना कर देती है, लेकिन मोर्डो के रिक्वेस्ट करने पर गुरुमा उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है। गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को मंत्र सिखाती है जिनके जरिए ब्रह्मांड में मौजूद एनर्जी से स्पेल बनाकर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब सीखने के लिए उसे बहुत सारी नॉलेज चाहिए थी। इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ की लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ता है। वहाँ का लाइब्रेरियन जिसका नाम वांग था, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोज नई नई किताबें पढ़ने के लिए देता था। एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र उसी किताब पर पड़ती है जिसके कुछ पेजेस को काइसिलियस ने चुरा लिया था। वांग उसे बताता है कि ये समय के जादू की किताब है, इस किताब को यहाँ के सिर्फ गुरु पढ़ते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं काइसिलियस को, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में लाइब्रेरी से उस किताब के पन्नों को चुराते हुए देखा था। काइसिलियस उन पन्नों को पढ़कर दूसरी दुनिया के एक बहुत ही खतरनाक दानव को पृथ्वी पर बुला रहा था। वही डॉक्टर स्ट्रेंज ने अब जादू सीखने की प्रैक्टिस चालू कर दी थी। शुरुआत में उन्हें ये सब काफी मुश्किल लग रहा था, वो अच्छे से मंत्र बोलने के लिए ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज काफी तेजी से ये सारे मैजिक करना सीख जाते हैं। जल्दी सीखने के लिए वो अपने जादू से चुपके से लाइब्रेरी से अपनी मनचाही किताब
किताब ले आते और उन्हें रात में पढ़ते। उन्होंने रूहानी दुनिया वाला जादू भी सीख लिया था, इसलिए उनका शरीर तो सो रहा था लेकिन उनकी आत्मा उस बुक को पढ़े रही होती है। गुरु माँ को जब पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत तेजी से इन सभी जादू को सीख रहे हैं, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर वर्ल्ड में ले जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल किसी चीज को सीखने के लिए या निगरानी करने के लिए या फिर कभी कभी बड़े बड़े खतरों को रोकने के लिए किया जाता है। क्योंकि मिरर वर्ल्ड में अगर किसी चीज को नुकसान पहुंचता भी है तो रियल वर्ल्ड में उसका असर नहीं होता। हालांकि मिरर वर्ल्ड में भी बहुत सारे खतरे शामिल है, इसलिए इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसेलियस के बारे में बताता है कि वो भी कभी गुरु माँ का शिष्य था लेकिन उसने हम सबको धोखा दे दिया और उसने हमारी लाइब्रेरी की खास बुक की कुछ पेजेस को चुरा भी लिया है। वो जरूर कुछ खतरनाक करने की तैयारी में है। यहाँ पर मोल्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी जादुई छड़ी और जादुई जूते भी दिखाता है और उसे बताता है कि तुम अगर जादू सीख जाओगे तो तुम्हें भी ऐसी जादुई चीजें अपने आप ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी में समय की वही किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जिसके पन्ने कैसेलियस ने चुराए थे। बुक में एक लॉकेट छपा हुआ था और उस लाइब्रेरी में वो लॉकेट मौजूद भी था। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेते हैं और इस किताब में लिखे मंत्र को पढ़ने लगते हैं। ऐसा करते ही समय आगे पीछे होने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लॉकेट की मदद से समय को आगे पीछे करना सीख जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो उस किताब के फटे हुए पन्ने को समय में पीछे जाकर पढ़ लेते हैं। जब ही वहाँ पर मोल्डो और वांग भी आ जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि तुम्हें समय को आगे पीछे नहीं करना चाहिए था, तुम कुदरत के कानून को तोड़ रहे थे, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को तो अभी भी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी। वांग और मोल्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग इन तीनों जगह की एक एक बिल्डिंग पर शील्ड जनरेट की गई है जिन्हें सैंक्टम कहा जाता है। इन तीनों बिल्डिंग की शील्ड ही पृथ्वी को दूसरी दुनिया के खतरों से बचाती है। इसके बाद वांग और मोर्डो बताते हैं कि इस मंदिर में तीन ऐसे दरवाजे हैं जिनमें से एक दरवाजा हांगकांग की बिल्डिंग में खुलता है और दूसरा दरवाजा न्यूयॉर्क की बिल्डिंग में खुलता है और तीसरा दरवाजा लंदन की बिल्डिंग में खुलता है। गुरु माँ और हन जैसे और भी जादूगर मास्टर इन बिल्डिंग की रक्षा करते हैं और ये बिल्डिंग हमारी पृथ्वी को दूसरी दुनिया के खतरों से बचाती है। वांग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि अंधेरी दुनिया का एक ऐसा ही दानव जिसका नाम है डोरमामो, वो भी पृथ्वी पर हमला करना चाहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में समय की किताब में पढ़ा था। उन फटे हुए पन्नों में डोरमामो को बुलाने की रस्में लिखी हुई थी। यहाँ पर ये सभी समझ जाते हैं कि कैसेलियस ने उन पन्नों को डोरमामो को बुलाने के लिए चुराया था। जब ही लंदन की शील्ड वाली बिल्डिंग पर कैसेलियस हमला कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उन तीनों दरवाजों में से एक दरवाजे से बाहर गिरते हैं। ये दरवाजा न्यूयॉर्क की बिल्डिंग में खुलता है जहाँ पर कैसेलियस भी आ जाता है और वो इस बिल्डिंग के रक्षक को मार डालता है। इसके बाद वो और उसके आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अभी इतने भी बड़े जादूगर नहीं बने थे कि वो कैसेलियस का सामना कर सके। डॉक्टर स्ट्रेंज को मार खाते हुए देखकर वहाँ मौजूद एक जादुई ड्रेस अपने कांच के कवर से बाहर निकलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगती है। वो ड्रेस कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाती है। जब भी कैसेलियस की वार से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर रहे होते हैं तो वो ड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर पर जाकर लग जाती है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो अब आसानी से कैसेलियस का सामना कर सकते थे। दरअसल ये डॉक्टर स्ट्रेंज का गिफ्ट था, क्योंकि अब उन्होंने जादू सीख लिया था, इसलिए उनका ये गिफ्ट उन्हें ढूंढते हुए अपने आप उनके पास आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज आसानी से कैसेलियस को काबू में कर लेते हैं। कैसेलियस कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ दो ताकि मैं डोरमामो को भुला सकूं। इसी में हम सबकी भलाई है। एक बार डोरमामो यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी काली शक्तियों की वजह से पृथ्वी पर कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन जब भी पीछे से कैसेलियस का आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है, डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की चादर उस आदमी को रोकती है और डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी समझदारी से मैजिकल पोर्ट बनाकर वहाँ से डायरेक्ट अपने हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड उनका इलाज करती है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा अपने शरीर से निकलकर क्रिस्टीन के साथ मिलकर अपने शरीर का इलाज कर रही होती है। जब भी उधर उस आदमी की आत्मा अपने शरीर से निकलकर डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने आ जाती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उस आदमी की आत्मा को परमात्मा के पास पहुँचा देती है। इसके बाद क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को ठीक कर देती है और फिर डॉक्टर क्रिस्टीन को सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वापस गुरुमा के पास जाते हैं और उन्हें कैसेलियस के बारे में बताते हैं। गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज की काफी तारीफ करती है कि तुमने बहुत बढ़िया किया जो तुमने कैसेलियस को रोक दिया। अब जब तुम बहुत सारा जादू सीख ही गए हो तो अब तुम भी हमारी तरह पृथ्वी की रक्षा करो। वैसे भी कैसेलियस ने लंदन की बिल्डिंग को तो तबाह कर ही दिया है और उसने न्यूयॉर्क की बिल्डिंग पर भी हमला किया है, जिसकी वजह से अर्थ की प्रोटेक्शन काफी कमजोर हो गई है और अगर मेरा अंदाजा सही है तो कैसेलियस अगला वार हांगकांग की बिल्डिंग पर करेगा। इसके बाद गुरुमा वहाँ से चली जाती है।
मोर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब भी वहाँ पर काइसेलियस आ जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज काइसेलियस को रोकने के लिए उस जगह को मिरर वर्ल्ड में बदल देते हैं, ताकि काइसेलियस अगर किसी चीज को नुकसान पहुँचाता भी है तो उसका असर असली दुनिया पर ना हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि काइसेलियस अब काली दुनिया का बन चुका था, इसलिए अगर वो किसी को भी मिरर वर्ल्ड में मारता तो उसका असर असल दुनिया पर भी पड़ता। काइसेलियस और उसके आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांग को घेर लेते हैं। जब यहाँ पर गुरुमा आ जाती है और ये सभी मिलकर काइसेलियस और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं, लेकिन काइसेलियस धोखे से गुरुमा को मार देता है और इस पोर्टल से धक्का दे देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो गुरुमा के पास जाते हैं। गुरुमा बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, हॉस्पिटल में उनका इलाज तो हो रहा था लेकिन उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा भी अपने शरीर से निकल कर गुरुमा की आत्मा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुरुमा कहती है कि अब मेरा समय आ चुका है, तुम सही कहते थे, मैं इतने सालों से जीने के लिए डोरमामो की काली दुनिया से शक्तियाँ लेती थी, लेकिन मैंने कभी भी ये सब अपने मतलब के लिए नहीं किया, मैंने ये सब किया ताकि मैं पृथ्वी की हिफाजत कर सकूं। कल को हो सकता है कि तुम भी पृथ्वी की हिफाजत करो और तुम्हें भी इन शक्तियों की जरूरत पड़े। खैर, अब तो मेरा समय आ चुका है, लेकिन तुम्हें और मोर्डो को मिलकर काइसेलियस को रोकना होगा, ताकि वो डोरमामो के साथ मिलकर पृथ्वी को तबाह ना कर सके। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो उसी जगह पर वापस जाकर देखते हैं तो वहाँ पर काइसेलियस ने हर एक चीज को तबाह कर दिया था। उसने लाइब्रेरी के गार्ड वांग को भी मार डाला था। इतना ही नहीं, उसने हांगकांग की शील्ड भी तोड़ दी थी और अब वो डोरमामो को बुला रहा था। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस लॉकेट की मदद से दोबारा से टाइम को रिवर्स कर दे और काइसेलियस को डोरमामो को बुलाने से रोक ले। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज समय को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से वांग भी जिंदा हो जाता है और ये तीनों मिलकर काइसेलियस के आदमियों से लड़ने लगते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान काइसेलियस डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज जमीन पर जाकर गिरते हैं और उनका लॉकेट भी जमीन से टकराता है, जिसकी वजह से समय रुक जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मौका देखकर लड़ाई छोड़कर सीधे डोरमामो के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ, लेकिन डोरमामो डॉक्टर स्ट्रेंज को मार डालता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस जिंदा हो जाते हैं और वापस डोरमामो के पास आ जाते हैं। डोरमामो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को मार डालता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बार बार जिंदा हो जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक टाइम लूप क्रिएट कर दिया था, मतलब एक ही समय बार बार रिपीट हो रहा था। डोरमामो जितनी बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता, डॉक्टर स्ट्रेंज उतनी बार जिंदा होकर वापस उसके सामने आ जाते और बार बार उससे सौदे की बात करते और उससे बोलते कि मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे वादा करो कि काइसेलियस और उसके आदमियों के साथ तुम पृथ्वी छोड़ दोगे और वापस दोबारा पृथ्वी पर लौट कर कभी नहीं आओगे और ना ही पृथ्वी पर कभी हमला करोगे, तो मैं तुम्हें इस टाइम लूप से बाहर निकाल सकता हूँ, वरना हमेशा इसी टाइम लूप में मुझे मारते रहो और यहीं पर फंसे रहो और तुम्हारे पृथ्वी और पूरी दुनिया पर राज करने का ये प्लान भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। डोरमामो भी डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार मार के परेशान हो चुका था, इसलिए वो हार मानकर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मान लेता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं और डोरमामो अपने सभी साथियों को वापस बुला लेता है। काइसेलियस और उसके सभी आदमी गायब हो जाते हैं और अब पृथ्वी पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से सब कुछ वापस ठीक कर देते हैं और गुरुमा के जाने के बाद अब पृथ्वी को बाहरी खतरों से बचाने की जिम्मेदारी वो खुद संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मेरे को बताना आपको इस मूवी में सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज के आने वाले पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।